बेटमा और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेटमा के जगदीश वाटिका गार्डन में बने कोविड केयर आइसोलेशन सेंटर की मंगलवार शाम को शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत पूर्व विधायक मनोज पटेल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, थाना प्रभारी संजय शर्मा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी मीनाक्षी पाटीदार ने की। बेटमा के इस क्वारंटाइन सेंटर में पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य सहयोगी स्टाफ के साथ मेजर पेशेंट के लिए ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था भी रहेगी। इस सेंटर में सामान्य लक्षण में दिखने वाले कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। यदि मरीज को ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं तो एम्बुलेंस के माध्यम से इंदौर के कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा। लगभग 200 संक्रमित व्यक्तियों के लिए बना ये कोविड केयर सेंटर इंदौर जिला ग्रामीण का सबसे बड़ा सेंटर होगा। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। क्वारंटाइन सेंटर के बारे में क्या जानकारी है अभी तक? आज बेटमा क्वारंटाइन सेंटर चालू हो गया है विधिवत रूप से। एक व्यक्ति क्वारंटाइन होने के लिए यहाँ आ भी गए हैं और चार और आने वाले हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था भी यहाँ कर दी गई है, एम्बुलेंस चार और व्यक्तियों को लेने गई है। यहाँ सर्व सुविधायुक्त क्वारंटाइन सेंटर है, जहाँ पर डॉक्टर और नर्स का स्टाफ 24 घंटे रहेगा, यहाँ एम्बुलेंस 24 घंटे रहेगी और यह सारी व्यवस्था यहाँ के कोरोना पेशेंट के लिए की गई है। आज हम इस क्वारंटाइन सेंटर को शुरू करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा यह प्रयास रहेगा कि इस क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से ज़्यादा लोगों को यहाँ हम स्वास्थ्य का लाभ दे सकें और उन्हें कोरोना की महामारी से जीत दिलवा करके घर भेजें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।